जनपद में यूपीएसएससी द्वारा आयोजित पेट की परीक्षा 67 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर में पेट परीक्षा के लिए 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 4 पालियों में एग्जाम हो रहा है, जिसमें कुल 1,30,000 से ज्यादा बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है, जिसमें हर पाली में 22,000 से ज्यादा बच्चे उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और सभी परीक्षा केंद्रों को 23 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। विद्यार्थियों के आने जाने की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रैन बसेरों में भी रुकने के लिए विद्यार्थी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पेट परीक्षा में 32,688 में से 22,234 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 10,454 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों और एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, काम करना बहुत विशाल कुमार। अच्छा हुआ सर, जी सर पिछली बार दिए थे। कैसे, किस तरह के क्वेश्चन है सर? इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं और बढ़िया लगा देने में पेपर, और बाकी अभी मन में है तो क्या बताएं उसे। बहुत अच्छा फील हो रहा है। कहाँ से आए पेपर देने के लिए? सिद्धार्थ नगर से। अनिश सिंह। किस तरह के पेपर आए थे, किस चीज़ का पेपर था? ऐसे पेपर काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कुछ अंक तालिका जैसे वगैरह सब थोड़े डिफरेंट थे, अलग थे। कहाँ पे? रसड़ा। किस तरह के आज पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन आज थोड़े अलग तरीके से क्वेश्चन आए थे, कल के अपेक्षा थोड़ा अलग था आज। जैसे क्या लग रहा आज पेपर देकर? पेपर मतलब वही पोर्शन वही थे, लेकिन आज थोड़े जो आज ग्राफ टेबल थे वो थोड़े कल से ज़्यादा डिफिकल्ट थे, जैसे हर ऑप्शन के ऑप्शन थे। वंशिका पांडे। एग्जाम पर किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कैसा रहा? पेपर ठीक ठाक आया था, पर मतलब जो जिसने तैयारी की थी वो अच्छे से दे सकता था, पर वो टाइम का कुछ इशू था, क्योंकि जो रूम है उसमें क्लॉक की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो कन्फ्यूज़न था टाइमिंग का कि किस हिसाब से कितने क्वेश्चन पर कितना टाइमिंग देना। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे, मतलब अच्छे भी आए थे, बहुत इजी में भी आए थे और बहुत नॉर्मल में भी आए थे। पहले एग्जाम दिया? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था। कहाँ से आए? जौनपुर से हैं। प्रेम प्रकाश वर्मा। जीएस जो थे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तो थोड़ा इजी थे, बाकी ग्राफ के क्वेश्चन कुछ उलझाए हैं, तो ग्राफ का क्वेश्चन था उसमें समय का बाउंडेशन था, इसलिए थोड़ा उसमें टाइम लगा। जी पहले दे चुके, एक बार दे चुके। आज का पेपर कैसा रहा? मॉडरेट था, इजी था। कहाँ से आए पेपर देने के लिए? सिद्धार्थ नगर से आए, वहाँ बलरामपुर के पास है, उधर बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। अर्जु सिंह। तो कैसा रहा? अच्छा था। इससे पहले भी एग्जाम दिया? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्वेश्चन किस तरह, किस टाइप के? क्वेश्चन ग्राफ से ज़्यादा थे और करेंट्स भी था और हिस्ट्री से था, तो बस ये इंग्लिश इंग्लिश था। क्या लग रहा आज का पेपर? अभी तो रिजल्ट बताएगा, ऐसे कैसे पता चलेगा। कहाँ से आई हैं? मऊ से। गोरखपुर जनपद में कुल 67 सेंटर बनाए गए हैं, और जिसमें 15 तारीख और 16 तारीख को 2 पालियों में, कुल 4 पालियों में एग्ज़ाम होना है, और टोटल 32,688 बच्चे प्रति मीटिंग यहाँ पे, टोटल 1,30,000 से अधिक बच्चे एग्ज़ाम देंगे। अभी तीसरी पाली का यानी कि आज 16 तारीख की प्रथम पाली का एग्ज़ाम चल रहा है और परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है। कल 15 तारीख में दोनों पालियों का एग्ज़ाम शांतिपूर्वक व्यतीत हुआ है, कहीं से किसी प्रकार की कोई
मुन्ना भाई टाइप के परीक्षार्थी या किसी गलत व्यक्ति की कोई सूचना या नहीं प्राप्त हुई। दोनों मीटिंगों में लगभग 22,000 के आसपास प्रथम पाली में और उतने ही लगभग द्वितीय पाली में भी बच्चे उपस्थित रहे। क्या 67 परीक्षा केंद्रों पर हमारे सभी केंद्रों पर एक प्रशासन की तरफ से स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा पूरे 67 केंद्रों को 23 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। ऑन एवरेज 3 केंद्रों पर एक सेक्टर बनाया गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगातार भ्रमणशील होकर ड्यूटियाँ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रशासनिक मजिस्ट्रेट हैं उनको भी लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट से और शहर में भीड़ की दृष्टिगत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इन सभी जगहों पर सुविधा प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को व्यवस्था की गई है। जो हमारे रैन बसेरे हैं उनमें भी विद्यार्थियों को अगर रुकना है तो उनके लिए भी हमारी तरफ से निर्देश था नगर निगम और डूडा को कि कोई भी विद्यार्थी आता है तो उनको प्राथमिकता के आधार पर रैन बसेरों में रुकने की व्यवस्था दी जाए।